हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम जोग्राफ़ी के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे और ये जोग्राफी के कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो कि सभी स्टूडेंट को या किसी भी स्टूडेंट को पता होने चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी नॉलेज इन्हेंस हो सके और आपसे अगर किसी एग्जाम में या फिर कोई भी आपसे इन टर्म्स के बारे में पूछे तो आप उसका आंसर बता सकें तो चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जियोग्राफी की जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में स्टडी करते हैं बेसिकली जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड्स सरफेस फिजिकल क्वालिटीज़ क्लाइमेट पॉपुलेशन प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा वर्ड जियोग्राफी इज़ ड्राइवड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफोज मीन्स टू राइट अबाउट मीन्स टू स्टडी द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द अर्थ इज़ नोन एज जियोग्राफी माना जाता है कि सबसे पहले जियोग्रोफी वर्ड का इस्तेमाल इरेटोस्थनीज ने किया था जो कि एक ग्रीक पोलीमैथ थे मीन्स मैथमेटिशियन भी थे जियोग्राफ़र भी थे पोइट एस्ट्रोनमर और म्यूजिक थियोरिस्ट भी थे इराटोस्थनीस को फादर ऑफ जियोग्राफी भी बोला जाता है क्योंकि उनका जियोग्राफी में बहुत ज़्यादा योगदान था कि उन्होंने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक सिस्टम ईजाद किया जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितनी भी चीज़ें हैं उनकी लोकेशन को पता लगाया जा सके कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पहला मैप उन्होंने ही तैयार किया था अब जान लेते हैं ग्लोब के बारे में अ ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ द अर्थ मतलब पृथ्वी के स्वरूप को ग्लोब कहा जाता है जाता है सबसे पहला ग्लोब 1492 में मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था वैसे तो पृथ्वी की शेप को जियोइड कहा जाता है परंतु जो ग्लोब आते हैं वो स्फेरिकल शेप में आते हैं नेक्स्ट बात करेंगे इक्वेटर के बारे में इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ अ प्लानेट मीन्स इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इक्वेटर है वो तेरह देशों से होके गुजरती हैं। Next term है नेक्स्ट टर्म है लेटीट्यूड्स लेटीट्यूड्स आर बेसिकली सर्कल्स विच आर पैरल टू इक्वेटर और वी कैन से दैट लेटिट्यूड इज़ अ जोग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द नॉर्थ साउथ पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस लेटिट्यूड्स का बेसिकली काम ये होता है कि वो पोजिशन बताते हैं इक्वेटर के नॉर्थ में या फिर इक्वेटर के साउथ में इक्वेटर भी एक तरीके का लेटीट्यूड है जो कि सबसे बड़ा सर्कल है अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल इसलिए क्योंकि ये जो इक्वेटर है वो एक ऐसा लेटीट्यूड है जिसका जो सर्कम्फेरेंस है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लेटीट्यूड्स नेक्स्ट जान लेते हैं लॉन्गीड्स के बारे में आर बेसिकली सेमी सर्कल्स विच मीट्स एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लॉन्गीड का काम ये होता है कि वो अर्थ के ऊपर प्रजेंट होने वाले किसी भी पॉइंट की ईस्ट और वेस्ट लोकेशन को डिनोट कर सकें लॉन्गीड की रेंज जीरो टू वन एटी डिग्री होती है ईस्ट में और वेस्ट में भी लॉन्गीड का जो बेसिक रेफरेंस पॉइंट है मतलब जीरो डिग्री लॉन्गीड हम प्राइम मेरिडियन को बोलते हैं और जीरो डिग्री लेटिट्यूड हम बोलते हैं इक्वेटर को अगर आपको अर्थ के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो आप लेटीट्यूड और लॉन्गीड दोनों कोऑर्डिनेट का यूज़ करके आप पता लगा सकते हैं कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है अर्थ के ऊपर नेक्स्ट जान लेते हैं वेदर के बारे में वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमोसफियर फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम स्टेट ऑफ द एटमोस्फेयर मीन्स चेंजेज़ इन टेम्परेचर एटमोस्फेरिक प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी प्रसिपिटेशन एंड क्लाउड कवर एज वेल मतलब अगर किसी स्थान विशेष के वायुमंडल में वर्षा वायु तापमान आदि जैसे चेंजेस हों तो उन चेंजेस को ही हम नाम देते हैं मौसम का नेक्स्ट टर्म है क्लाइमेट क्लाइमेट इज़ द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया मींस वेदर कैन चेंजेस फ्रॉम आवर टू आवर डे टू डे मंथ टू मंथ और even year to year बट क्लाइमेट is द ऑब्जर्वेशन ऑफ weather conditions weather पैटर्न फॉर अप्रोक्सीमेटली 30 ईयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया मतलब वेदर यानी मौसम थोड़े समय के लिए होता है लेकिन अगर उसी वेदर को एक पर्टिकुलर एरिए में अप्रोक्सीमेटली तीस साल तक अगर स्टडी किया जाए उसके पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए तो उस पर्टिकुलर चेंज को हम बोलेंगे क्लाइमेट यानी जलवायु नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है स्केल स्केल रेफर्स टू द रिलेशनशिप और रेशो वी कैन से बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड कोरस्पोंडिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड मीन्स स्केल यानी जिसे हम हिंदी में पैमाना बोलते हैं वो हमें संबंध बताता है यानी रिलेशन बताता है डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप में मतलब अगर मान लीजिए अगर आपके मैप का जो स्केल है वो वन रेशो टेन थाउजेंड है तो इसका मतलब ये है कि जो मैप का जो एक सेंटीमीटर है वो धरातल के यानी ग्राउंड के दस हज़ार किलोमीटर के बराबर है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक टर्म है मैप बात करें अगर डेफिनेशन की

दैन फिज़िकल मैप इज़ अ रिप्रजेंटेशन ऑफ नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एस माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स रिवर्स ओशंस एक्सेट्रा मतलब अगर किसी मैप में हम पर्वत पहाड़ समुंद्र नदियाँ आदि जैसी चीज़ें देख रहे हैं तो उस टाइप के मैप को हम बोलेंगे फिजिकल मैप नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैप अगर बात करें पॉलिटिकल मैप के डेफिनेशन की देन अ पॉलिटिकल मैप इज़ अ टाइप ऑफ मैप दैट रिप्रजेंट्स पोलिटिकल डिविजन्स और ह्यूमन क्रिएटेड बाउंड्रीज ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टीनेंट्स एंड मेज़र ज्योग्राफिक रीजन्स जो मेन डिफरेंस है पोलिटिकल मैप और फ़िज़िकल मैप में वो ये है कि पोलिटिकल मैप में हमें बाउंड्रीज़ दिखती है एक पर्टिकुलर कंट्री की स्टेट की बट अगर बात करें फ़िजिकल मैप की तो फिज़िकल मैप में हमें बाउंड्रीज़ नहीं दिखती फ़िज़िकल मैप में हमें सिर्फ फ़िजिकल फ़ीचर्स के ही रिप्रेजेंटेशन दिखता है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जियोग्राफिक टर्म इज़ पेनिनसुला पेनिनसोला इज़ एन एरिया विच इज़ सराउंडेड बाई वाटर फ्राम थ्री साइड्स बट कनेक्टेड टू मेन लैंड फ्राम वन साइड मतलब जो पेनिनसुला है जिसको हम हिंदी में प्रायद्वीप भी बोलते हैं वो एक ऐसा एरिया होता है लैंड का जो कि तीन साइड से तो जल से घिरा होता है और एक साइड उसका जो होता है वो कनेक्टेड होता है लैंड से अगर बात करें एक एग्ज़ाम्पल के बारे में तो आप भारत का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड जो है उसकी वो लैंड से कनेक्टेड है एंड यू मस्ट नो अबाउट द थ्री साइड्स ऑफ वाटर फ्रॉम विच द इंडिया इज सराउंडेड द पैनसुलर इंडिया इज सराउंड अरेबियन सी इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल नेक्स्ट जोग्राफिक टॉम इज़ आईलैंड एंड आई लैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ कनेक्टेड बाई वाटर फ्राम ऑल द साइड एंड यू नो द लार्जेस्ट आईलैंड इन द वर्ल्ड इज ग्रीन लैंड मतलब जो आईलैंड है जिसको हम हिंदी में द्वीप बोलते हैं वो एक ऐसा टुकड़ा है जमीन का जो कि चारों ओर से पानी से घिरा हो आपने लक्षद्वीप आईलैंड के बारे में सुना होगा लक्षदीप आईलैंडस द्वीप हैं जो कि अरेबियन सी में मौजूद हैं नेक्स्ट टर्म है क्लिफ़ अ क्लिफ़ इज़ अ वेरी स्टीप एरिया ऑफ रॉक एस्पेश वन नेक्स्ट टू द सी मीन्स जो क्लिफ़ होता है वो एक बहुत ज़्यादा खड़ी ढलान वाला एक चट्टान होता है जो कि समुंद्र के किनारे पाया जाता है और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देख रहे होंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रही है क्लिफ़ को और आप देख सकते हैं इस फोटो में कि ये जो चट्टान है उसकी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी जो ऊंचाई है वो अचानक से बढ़ गई है इसीलिए अगर किसी चट्टान की ऊंचाई अचानक से बढ़ जाए तो उसको हम नाम देते हैं स्टीप स्लोप का मतलब खड़ी ढलान ज़्यादातर क्लिफ समुद्र के किनारे ही पाए जाते हैं नेक्स्ट बात करेंगे माउंटेंस के बारे में अ माउंटेन इज़ एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट जनरली विद स्टीप साइट्स माउंटेन्स यानी जिसको हम पर्वत या पहाड़ भी बोलते हैं वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उठा हुआ हिस्सा होते हैं माउंटेंस के कुछ टाइप आपने सुने होंगे जैसे कि वोल्केनिक माउंटेन फोल्ड माउंटेन ब्लॉक माउंटेन और अगर बात करें सबसे न्यूली फॉर्म्ड फोल्ड माउंटेन की तो वो है हिमालयन माउंटेन और हिमालयन माउंटेन में एक चोटी भी है यानी जिसको हम पीक बोलते हैं माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई लगभग एट एट फोर एट मीटर है यानी आठ हज़ार आठ सौ अड़तालीस मीटर और वो पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग माना जाता है नेक्स्ट टर्म है प्लेन प्लेन इज अ ब्रॉड एरिया ऑफ रिलेटिवली फ्लैट लैंड दे आर वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑन द अर्थ इट डज़ नॉट चेंज मच इन एलिवेशन मीन्स जो प्लेन है जिसको हम हिंदी में समतल भूभाग भी बोलते हैं वो पृथ्वी का एक ऐसा भाग है जिसमें हम ज़्यादातर जो ऊंचाई है वो नहीं दिखती वो साथ साथ में जितने भी लैंड है उनकी सेम स्लोप सेम हाइट अबाउ द सी लेवल रहती है इसलिए हम उसको नाम देते हैं प्लेन का प्लेन पर यानी समतल भाग पर ज़्यादातर जनसंख्या आपको निवास करते हुए दिखेगी आप अपने आप भी देख रहे होंगे कि जो ज़्यादातर जो सुविधा होती है वो प्लेन एरियाज़ में ही रहती है चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट का हो चाहे वो रेलवे ट्रैकिंग का हो चाहे वो किसी भी काम को करने का क्यों ना हो ज़्यादातर जो सुविधाएं हैं वो प्लेन एरिया में ही माउंटेन होती है बजाय कि पहाड़ों गए नेक्स्ट लैंडफाम का टाइप है प्लेट्यू अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट बट एलिवेटेड लैंडफाम दैट राइज शार्पली अबाउ द सराउंडिंग एरिया ऑन एटलीस्ट वन साइड मतलब जो प्लेट्यूज होते हैं जिनको हम हिंदी में पठार का नाम देते हैं वो रिलेटिवली वैसे तो फ्लैट लैंड होते हैं ऊपर से लेकिन साइड से ये उठे होते हैं साइड वाली ज़मीन से इंडिया में आपको तीनों लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे नदर मोस्ट पार्ट में जैसे कि आपको मिलेगा हिमालयन माउंटेन जो कि एक तरीके का माउंटेन है फोल्ड माउंटेन है और उसके जस्ट नीचे जब आप आएँगे तो वहाँ पर ज़्यादातर नदियाँ प्रजेंट हैं नदियाँ प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ पर जो जितने भी उनके जो साइड वाले पार्ट होते हैं ज़मीन के जो साइड वाले पार्ट होते हैं वो प्लेन्स हैं जिनको हम नदर्न प्लेन का नाम देते हैं और जब आप थोड़ी और नीचे आएंगे यानी सदर्न मोस्ट पार्ट में आएंगे आप इंडिया के तो आपको डेकन प्ले देखने को मिलेगा नेक्स्ट ज्योग्राफिक टर्म है आइसबर्ग आइसबर्ग्स आर द लार्ज चंक्स ऑफ आइस दैट ब्रेक ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर्स मतलब आइसबर्ग एक बड़े टुकड़े होते हैं बर्फ़ के जो कि अलग हो जाते हैं ग्लेशियर से और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर का मेन सोर्स होते हैं क्योंकि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो इवेपोरेटेड वाटर के कूल cool होने से यानी उसके बर्फ़ में तब्दील होने से इनकी फॉर्मेशन होती है और इवेपोरेटेड वाटर में बिल्कुल भी सोल्ट की मात्रा प्रजेंट ना होने की वजह से ये प्योर फ्रेश वाटर के सोर्स माने जाते हैं और चूँकि आइसबर्ग भी एक समय में ग्लेशियर का ही पार्ट होते हैं तो इसीलिए आइसबर्ग भी एक मेन फ्रेश वाटर का सोर्स माने जाते हैं आइसबर्ग जब आपको समुन्द्र में तैरते हुए मिलेंगे तो ऊपर से तो बहुत छोटे दिखेंगे लेकिन उसी पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा होगा मतलब जो समुद्र के नीचे वाला हिस्सा होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाला क्योंकि जो बर्फ होती है उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर और इसीलिए उनका जो वेट भी होता है वो भी रिलेटिवली कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर तो इसीलिए वो ऊपर कम दिखाई देते हैं और नीचे ज़्यादा दिखाई देते हैं इसीलिए जो आइसबर्ग का ऊपर वाला वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले से बहुत कम होता है नेक्स्ट टर्म है कैनियंस और कैनियन इज़ अ डीप नैरो वैली विद स्टीप साइड्स मतलब कैनियन पतली लेकिन बहुत गहरी घाटी होती है जिनके साइड वाले चट्टानों की स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होती है नेक्स्ट टर्म है गोड्ज और गोर्ज इज़ अ नैरो वैली विद ऑलवेज स्टीप रॉकी वॉल्स लोकेटेड बिटवीन हिल्स और माउंटेंस गोर्ज की जो खासियत होती है वो सेम टू सेम कैनियंस की तरह ही होती है बट कैनियंस बड़े होते हैं एज़ कम्पेयर टू गोर्ज नेक्स्ट टर्म है डेजर्ट अ डेजर्ट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट रिसीव्स नो मोर देन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स ऑफ प्रेसिपिटेशन अ ईयर ऐसे डेजर्ट ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर बारिश नाम मात्र की होती है मतलब साल में सिर्फ बीस सेंटीमीटर और बारिश की कमी की वजह से आपको यहाँ पर कोई भी वेजिटेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी ज़्यादा अमाउंट में लेकिन कुछ एक आधे जो डेजर्ट प्लांट है जैसे कि कैक्टस जिनकी जो सरफेस होते हैं वो नुकीले होते हैं वो पाए जा सकते हैं किसी भी रीजन में अगर रेट ऑफ़ इवेपोरेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ़ प्रेसिपिटेशन तो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन क्योंकि इस कंडीशन में होगा ये कि वहाँ पर जितने भी उस रीजन में पेड़ होंगे पौधे होंगे और जितनी भी वेजिटेशन होगी वो समाप्त होने लग जाएगी क्योंकि वहाँ पर पानी की प्रजेंस बिल्कुल भी नहीं होगी और वो एरिया बाद में डेजर्ट में कन्वर्ट होने लग जाएगा नेक्स्ट टर्म है are land, gravity, वैलीज वैलीज़ आर डिप्रेस्ड एरिया ऑफ लैंड वोज्ड आउट बाय कंस्पायरिंग फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी वाटर एंड आइस और वैलीज़ की जो फॉर्मेशन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि अगर किसी भी रीज़न में पानी की वजह से ज़्यादा बहाव की वजह से सोयल का इरोज़न होने लग जाता है तो वैलीज़ फॉर्म होने लग जाती है और ज़्यादातर जो वैलीज़ होती है वो ज़्यादातर माउंटेंस के बीच में ही पाई जाती है या फिर किसी हिल्स के बीच में अगर जो बीच वाला जो एरिया डिप्रेस्ड एरिया पाया जाता है उसको हम बोलते हैं वैलीज नेक्स्ट जोग्राफिक टर्म है फ्योर्ड इसको आप फजोर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि इसकी सही प्रनउंशिएशन है फ्योर्ड और फ्योर्ड इज़ अ लॉन्ग डीप नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट रीच इज़ फार इनलैंड दे आर ओफन इन यू शेप वैली विद स्टीप वॉल्स ऑफ रॉक ऑन ईदर साइड फ्योर्ड बड़ी चट्टानों के बीच का जो लंबा संकरा समुद्री मार्ग होता है उसको हम नाम देते हैं फ्योर्ड का और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फ्योर्ड होते हैं वो बेसिकली ग्लेशियर के द्वारा ही बनाए जाते हैं नेक्स्ट टर्म है सोयल सोयल इज अ लूज सरफेस मटीरियल्स दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द लैंड इट कन्जिस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक पार्टिकल ऑर्गेनिक मैटर दे आर अ मिक्सचर ऑफ सैंड सिल्ट मिनरल्स ऑर्गेनिक मैटर वाटर एंड एयर सोयल यानी जिसको हम हिंदी में मिट्टी का नाम देते हैं वो बेसिकली मिक्सचर्स होते हैं ह्यूमस का वाटर का एयर का और उनके अंदर ऑर्गेनिक जैसे कि छिलके वगैरह हो गए और पेड़ पौधे हो गए पत्तियाँ होगी उनके अंदर वो पाई जाती है तो उनका जो मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं सोयल यानी मिट्टी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोग्राफिक टर्म है स्ट्रेट स्ट्रेट इज़ अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज़ मतलब जो स्ट्रेट होती है वो एक तरीके की वाटर बॉडी होती है जो कि कनेक्ट करती है दो लार्ज वाटर बॉडी को जैसे कि इंडिया के साउथ में एक पाक स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट करती है पाक बे को और बे ऑफ बंगाल को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है इस्थमस एंड इस्थमस इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मार्सेज एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडीज अब देखिए इस्थमस और स्ट्रेट अप्रोक्सीमेटली सेम है दोनों डिवीज़न का काम करते हैं दोनों ही कनेक्शन का काम करते हैं लेकिन जो स्ट्रेट है वो दो लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है बट जो इस्थमस है वो दो लार्जर लैंड मासिस को कनेक्ट करता है और सेपरेट करता है टू वाटर बॉडीज़ को जैसे कि एक इस्थमस है जो कि कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा और इस्थमस ऑफ पनामा सेपरेट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज़ कोरल रीफ कोरल रीफ इज़ एन अंडर वाटर इकोसिस्टम करक्टराइज बाय रीफ बिल्डिंग कोरल्स अब देखिए कोरल रीफ वर्ड में दो वर्ड हैं एक है कोरल एक है रीफ कोरल का मतलब है छोटे सॉफ्ट एनिमल्स ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं और पानी में पाए जाने की वजह से इनको एक्वेटिक एनिमल्स भी बोला जाता है दूसरा वर्ड है रीफ रीफ जो होता है वो बेसिकली रहने का स्थान होता है कोरल्स का अब देखिए होता ये है कि ये जो कोरल्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और रीफ होते हैं उनका हैबिटेट होता है तो जो इनका हैबिटेट होता है मतलब इनका छोटा सा कमरा मान लीजिए आप इनको तो ये जो छोटे छोटे कमरे होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और इन्हीं का ही क्लस्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं कोरल रीफ नेक्स्ट टर्म है केव्स केव इज़ अ नेचुरल ओपनिंग इन द ग्राउंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द जोन ऑफ लाइट एंड लार्ज इनफ टू परमिट द एंट्री ऑफ अ मैन मतलब जो केव्स होते हैं जिनको हम हिंदी में गुफा बोलते हैं वो बेसिकली एक नेचुरल ओपनिंग होती है अर्थ क्रस्ट में मतलब ये अंदर से खोखले होते हैं और इनके अंदर बिल्कुल भी लाइट वगैरह इतनी नहीं जाती लेकिन इनके अंदर आप आराम से घुस सकते हैं मतलब ये इतने लार्ज इनफ होते हैं कि एक मैन uh, की एंट्री को परमिट कर सकते हैं नेक्स्ट हम है एंटिक लाइन एंड एंटिक लाइन इज़ अ फोल्ड दैट इज़ कन्वैक्स अपवर्ड मतलब एंटिक लाइन एक ऐसा फीचर है अर्थ का जो कि ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है तो उस फीचर को हम बोलते हैं एंटिक लाइन आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे एंटिक्लाइन जो कि एक अर्थ का फीचर है वो इस टाइप का दिखता है नेक्स्ट टर्म है सिंक्लाइन सिंक्लाइन का फिजिकल फीचर फिजिकल कैरेक्टोस्टिक्स बिल्कुल अपोजिट होती है एंटिक्लाइन से जैसे कि अभी आपने देखा था एंटिक्लाइन एंटिक्लाइन कन वैक्स अपवॉर्ड होता है लेकिन जो सिंक्लाइन होता है वो कनकेव अपड होता है तो हम कह सकते हैं सिंक्लाइन इज़ अ फोल्ड दैट इज़ कनकेव अपवर्ड और इट इज़ डाउनवर्ड आर्क और कर्व और अ फोल्ड और सिंकलाइन की आकृति आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते होंगे नेक्स्ट ज्योग्राफिक टर्म है कोर कोर जो होता है वो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है अर्थ का और ये बेसिकली अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप ही होता है तो हम बोल सकते हैं द एक्सट्रीमली हॉट सेंटर ऑफ द अर्थ और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कोल्ड कोर जो कोर होता है उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि कोर के अंदर आयरन और निकल प्रेजेंट होता है जिसकी डेंसिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है कोर के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इनके जो कंपोनेंट्स uh, होते हैं वो मोल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं नेक्स्ट टर्म है मेंटल। मेंटल कोर के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट होता है अर्थ का उसको हम बोलते हैं मेंटल। या फिर हम बोल सकते हैं द मिडल मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट इज़ नोन एज मेंटल और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मेंटल है मेंटल के ऊपर वाला पार्ट उसको हम बोलते हैं एस्थेनोसफेयर जिसके अंदर मोल्टन लावा प्रजेंट होता है जो कि वोल्केनिक इरप्शन में बाहर निकल जाता है नेक्स्ट टर्म है क्रस्ट द क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी का जो सतह है उसी को ही हम बोलते हैं क्रस्ट और क्रस्ट बहुत पतला होता है एज कम्पेयर टू कोर एंड मेंटल और अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि प्लेन्स प्लेट्यूज माउंटेंस हिल्स एट्सेट्रा नेक्स्ट टर्म है ग्लेशियर अ ग्लेशियर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आइस और स्नो नेक्स्ट टर्म है ग्लेशियर अ ग्लेशियर इज़ अ लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आइस और स्नो ग्लेशियर तब फॉर्म होते हैं जब हाई आल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों पर मतलब जो कि ऊंचाई ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होते हैं वहाँ पर जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्नो इकट्ठा होने लग जाता है तब उनकी उनकीूमेशन से एक बड़ा पत्थर का निर्माण होता है जो कि बर्फ का होता है उसी को ही हम नाम देते हैं ग्लेशियर का और ग्लेशियर फ्रेश वाटर से बने होते हैं हमने पहले डिस्कस भी किया था और आपको ये भी बताया था कि जो ग्लेशियर होते हैं वो फ्रेश वाटर का बहुत ज़्यादा अमाउंट कैरी करते हैं मतलब ये एक अच्छे सोर्स होते हैं फ्रेश वाटर का जो कि बाद में पिघल कर नदियों में कन्वर्ट कर, कर बाद में हमें फ्रेश वाटर देते हैं नेक्स्ट वर्ड है गल्फ गल्फ इज़ अ पोर्शन ऑफ ओशियन दैट पेनीट्रेट्स लैंड गल्फ़ या फिर खाड़ी समुद्री पानी के ऐसे जलाशयों को कहते हैं जो कि किसी और सागर से या महासागर से जुड़े हों लेकिन उसके ज़्यादातर जो साइड में उनका ज़मीन का घेरा हो तो उसको हम बोलते हैं खाड़ी नेक्स्ट टर्म है ग्लोबल वार्मिंग आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इसका जो लिटरल मीनिंग है उससे भी आप इसको पता लगा सकते हैं कि असलियत तो में ये है क्या जैसे कि इसके अंदर दो वर्ड है एक है ग्लोबल जिसको हम बोलते हैं धरती और वार्मिंग का मतलब गर्मी मतलब अगर धरती की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर बढ़ती रहे लगातार तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग सो वी कैन से दैट इट इज़ द लॉन्ग टर्म वार्मिंग ऑफ अ प्लैनेट्स ओवरऑल टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के लिए और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये ओजोन लेअर को डिप्लीट यानी कम करती है और पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं में असंतुलन पैदा करती है इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को होने से रोकना चाहिए हमें पृथ्वी के संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए अपना लगातार योगदान देते रहना चाहिए नेक्स्ट टर्म है बीच बीच इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सेपरेटिंग अ बॉडी ऑफ वाटर फ्रॉम इनलैंड एरियाज या फिर हम बोल सकते हैं नदी के साइड वाला पार्ट या फिर किसी नदी सागर तालाब अथवा झील के किनारे स्थित ज़मीनी भाग को हम तट कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बीच और जो बीच होते हैं वो ज़्यादातर सैंड से बने होते हैं ना कि मिट्टी से सैंड का मतलब रेत होता है और सोयल का मतलब मिट्टी नेक्स्ट हम है रिवर बेसिन रिवर बेसिन इज़ एन एरिया ड्रेंड बाई अ रिवर एंड ऑल ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज़ रिवर बेसिन बेसिकली रिवर के साइड वाले जो पार्ट्स होते हैं रिवर के साइड वाली जो ज़मीन होती है उसी को हम बोलते हैं रिवर बेसिन क्योंकि वो जो एरिया होता है रिवर के साइड वाला वो पानी के द्वारा जो कि नदी में प्रजेंट होता है उन्हीं के द्वारा सिंचित किया जाता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे की मात्रा भी प्रजेंट होती है जैसे कि मान लीजिए अमेजोन बेसिन है तो अमेजोन बेसिन बेसिकली ऐसा पार्ट है जो कि अमेजोन रिवर के द्वारा और उनकी ट्रिब्यूटरीज़ के द्वारा जो भी उसके बीच वाले में जो सिंचित पार्ट है उसको हम बोलते हैं अमेजोन बेसिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा प्रजेंट है पेड़ पौधों की और इसीलिए अमेजोन बेसिन को बेसिकली हम लंग ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं और ये साउथ अमेरिका में प्रजेंट है इरीगेशन को हिंदी में सिंचाई बोलते हैं और सिंचित पार्ट का मतलब इरीगेटेड पार्ट नेक्स्ट टर्म है डेल्टा और डेल्टा इज़ अ लैंडफॉम क्रिएटेड बाय अ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स दैट इज़ कैरिड बाई अ रिवर एस फ्लो लीव्स इट्स माउथ एंड एंटर्स स्लोली मूविंग द स्टेगनेंट वाटर स्टेगनेंट वाटर लाइक सी। अगर किसी नदी के द्वारा जितने भी लाए गए सेडिमेंट्स से, हैं मतलब जितने भी कंकर पत्थर हैं मिट्टी है जितने भी अवसादी हैं वो अगर एक जगह पे लाके के दिया जाए जहां पर समुद्र का मिलन हो नदी से उस मुहाने को हम बोलते हैं डेल्टा डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार की होती है ज़्यादातर और आपने सुंदरबन डेल्टा का भी नाम सुना होगा जिसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं क्योंकि इनकी जो मेन इम्पोर्टेंट रिवर है वो है गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है और सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं नेक्स्ट हम है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन इज़ द प्रोसेस वैन वाटर रिलीजेज़ फ्रॉम द क्लाउड्स इन द फॉर्म ऑफ रेन्स मतलब प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब पानी क्लाउड से दोबारा पृथ्वी पर आता है धरती के ऊपर आता है रेन की फॉर्म में या फिर स्लीट हेल स्नो की फॉर्म में तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन और प्रेसिपिटेशन एक वाटर साइकिल का ही पार्ट है नेक्स्ट हम है परकोलेशन बात करें अगर डेफिनेशन की दैन इट इज़ द मूमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोयल इट्स मतलब जब वाटर की मूवमेंट सोइल के थ्रू हो और वो जाके बाद में ग्राउंड वाटर में मिल जाए तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं परकोलेशन आपने सुना होगा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होना ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है जब हम पानी धरती के ऊपर डालते हैं तो वो धीरे धीरे रिस रिस कर सोयल के पोर्स के द्वारा वो ग्राउंड वाटर में दोबारा चले जाते हैं तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं परकोलेशन स्टम है प्रेरीज प्रेरीज़ आर इनॉर्मस स्ट्रेचेज़ ऑफ फ्लैट ग्रास लैंड विद मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट रेनफॉल एंड अ फ्यू ट्रीज़ फिर हम बोल सकते हैं जो ग्रास लैंडस हैं नॉर्थ अमेरिका के जहाँ पर वीट की प्रोडक्शन होती है उसको हम बोलते हैं प्रेरीज़ और यहाँ पर ये बेसिकली फ्लैट लैंड होते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर ट्रीज़ नहीं होते यहाँ पर प्लांटेशन कर सकते हैं लेकिन आप ट्रीज़ नहीं उगा सकते और होते भी नहीं है ज़्यादा तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं प्रेरीज़ नेक्स्ट टर्म है ओसेज़ एन ओसेज़ इज़ अ फर्टाइल एरिया इन द डेजर्ट रीजन यूजली हैविंग स्मॉल आइसोलेटेड स्प्रिंग एंड अ लिटल वेजिटेशन मतलब ओसेज़ एक ऐसे एरिया होते हैं फ़र्टाइल एरिया होते हैं डेजर्ट में जहाँ पर साइड में वेजिटेशन भी होती है और बीच में एक छोटा सा वाटर सोर्स भी प्रजेंट होता है अब आप सोच रहे होंगे कि डेज़र्ट रीजन में फर्टाइल एरिया कैसे आ गया या फिर पानी कहाँ पर कैसे आ गया तो आप ये समझिए कि जब अंडरग्राउंड वाटर ऊपर की सतह पर आ जाए डेजर्ट में तब उससे ओसेज़ फॉर्म होता है और पानी की प्रेजेंस की वजह से वहाँ पर साइड में वेजिटेशन भी उगने लग जाएगी तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं ओसेज़ और ओसिज़ डेजर्ट में ही प्रजेंट होते हैं नेक्स्ट टर्म है ड्यून अ ड्यून इज़ अ माउंट ऑफ सैंड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द विंड यूजली अलोंग द बीच इन अ डेजर्ट यानी जब रेत हवा के द्वारा एक जगह पर इकट्ठी कर दी जाए तो उसको हम बोलते हैं ड्यून और ये ज़्यादातर रेतीले इलाके रेगिस्तानी इलाके या फिर बीच के किनारे ही पाए जाते हैं नेक्स्ट टर्म है ओक्सबो लेक डीज लेक्स आर द रिमेन्स ऑफ बैंड इन अ रिवर मतलब नदी के मोड़ के अवशेषों को ही हम ओक्सबो लेक बोलते हैं अब देखिए जब तो किसी नदी की आकृति सांप जैसी मोड़ लेने लग जाए तो उसको हम बोलते हैं मियाडर लेकिन अगर वही मियाडर बाद में अगर किसी लेक को निर्माण करता है तो उसको हम बोलते हैं ओक्सबो लेक और ये जो ऑक्सबो लेक होता है उसका जो पानी होता है वो बिल्कुल स्थिर होता है नदी उसके साइड से गुजर जाती है लेकिन नदी का पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पाता जो पहले से है पानी वो इसी के अंदर रहता है इसका पानी उस नदी के अंदर नहीं जाता और नदी का पानी इसके अंदर नहीं आता तो इसीलिए ये एक तरीके का लेक बोला जाता है नेक्स्ट टर्म है लगून लगून इज़ अ शैलो बॉडी ऑफ वाटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर यूजली बाई एन ओशन एंड यू नो ओशन इज ऑफ सोल्ट वाटर एंड दिस शैलो बॉडी ऑफ वाटर कैन ऑल्सो भी प्रीवेंटेड बाई एन आईलैंड और कोरल रीफ मतलब हम कह सकते हैं कि जो लगून है वो एक तरीके की वाटर बॉडी है जिसके अंदर खारा पानी भरा होता है क्योंकि इसका जो अटैचमेंट है वो ओशन से होता है और ओशियन जो है वो खारा पानी होता है इसीलिए इसके अंदर खारा पानी का ही मौजूदगी होती है और इसीलिए जब ये वाटर uh, बॉडी बड़े ओशियन से या फिर बड़े वाटर बॉडी से सेपरेट हो जाए एक कोरल रीफ से या फिर आइलैंड से तो हम उसको बोलते हैं लगून नेक्स्ट हम है आर्कपलेगो एन आर्कप्लेगो इज़ अन एरिया दैट कंटेन्स अ चेन ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स स्कैटर्ड इन अ लेक और अ रिवर और एन ओशियन आर्कपलेगो का हिंदी मीनिंग होता है द्वीप समूह मतलब अगर किसी भी ओशियन में सी में या फिर रिवर में बहुत सारे द्वीप एक जगह पर इकट्ठे हों तो उसको हम बोलते हैं आर्कपलेगो है मतलब द्वीप के समूह को यानी आइलैंड्स के ग्रुप को हम बोलते हैं आर्कअपलेगो नेक्स्ट टर्म है स्टेलगमाइट स्टेलगमाइट इज एन अपवर्ड ग्रोइंग माउंड ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स दैट हैव प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम वाटर ड्रिपिंग ऑन टू द फ्लोर ऑफ अ केव मतलब गुफा में ज़मीन से ऊपर की ओर उठा हुआ चट्टान का पतला टुकड़ा जो होता है उसी हम बोलते हैं स्टेलगमाइट और ये बेसिकली ऊपर से ज़्यादा नुकीला नहीं होता और ये यू शेप का होता है ऊपर से और ये ज़्यादातर बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से नेक्स्ट टर्म है स्टेलेक्टाइट a स्टेलेक्टाइट इज़ एन आइसिकल शेप्ड फॉर्मेशन दैट हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ केव एंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम वाटर ड्रिपिंग थ्रू द केव सीलिंग मतलब किसी गुफा की छत से लटका हुआ चट्टान का लंबा पतला जो टुकड़ा होता है उसे हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट और ये नुकीले होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेलेगमाइट स्टेलेक्टाइट और स्टेलग में बेसिकली यही डिफरेंस है कि जो स्टेलेक्टाइट होते हैं वो केव की सीलिंग से जुड़े होते हैं और जो स्टेलग होता है वो केव की फ्लोर से आज के लिए बस इतना ही आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी आपको जोग्राफ़ी के कुछ टर्म्स के बारे में क्लैरिटी हुई होगी अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ताकि हम उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना सकें ताकि आपको वो नॉलेज दे और आपको वो टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल महादेवा द पिलर ऑफ सक्सेस को थैंक यू फॉर वॉचिंग अ गुड डे